क्या होगा, हम भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे, कहाँ जाना है हमने, मंजिल कहाँ है हमारी, डेस्टिनेशन कहाँ है, क्या होगा अगर मैं बिना डेस्टिनेशन के भागता रहूं, जाना कहाँ है, कहाँ हमारी मंजिल है, क्या हमारे डेस्टिनेशन एक सुंदर सा हाउस है, क्या हमने एक सुंदर से घर में जाना है, कहाँ जाना है हमें, कहाँ जाना है, क्या हमारा डेस्टिनेशन कोई ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, क्या हमें इस जगह जाना है, कहाँ जाना है, आखिर हमें जाना कहाँ चाहते हैं, हम दौड़ रहे हैं चल रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। यही होता है कि अगर हमारा एक डेस्टिनेशन ना हो, हमें जाना कहाँ है कोई पता नहीं, हम जाना कहाँ चाहते हैं क्योंकि हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ, अगर हमारा डेस्टिनेशन हो, हमारा डेस्टिनेशन हो, अगर हमें पता है कि हम कहाँ जाना, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो हम वहाँ भी जा सकते हैं, अगर हमारा डेस्टिनेशन पक्का है तो हम स्पेस में भी जा सकते हैं, अगर हमने पूरा निश्चय बना लिया है तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो अगर हम पक्का निश्चय बना ले, मन में अगर एक कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा डेस्टिनेशन होना जरूरी है। ये जरूरी है कि हमने कहाँ जाना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये पहले होना बहुत जरूरी है। अरे कहना क्या चाहते हो, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं बेटा। ऐसे ही तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा टाइम टेबल होना, तुम्हारा डेस्टिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब मेरे को पता नहीं कि मैंने क्या करना है, मैंने कितने मार्क्स लेने, मैंने कितनी देर पढ़ाई करनी है, मैंने अपने किस टाइम टेबल से पढ़ाई करना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो बच्चा कभी नहीं कुछ सक्सेस हो सकता जब मन कर रहा हो तब पढ़ रहे हो। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे हर काम होना चाहिए। और आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए कि मैंने कितने मार्क्स लाने, विज़न होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो गए। तो मैं आज क्लास टेंथ के लिए बेस्ट टाइम टेबल लाया हूँ, अपने 20 सालों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक बेस्ट टाइम टेबल लाया हूँ। बहुत सारे टॉपर बच्चों से मैंने बात की है कि कितने घंटे आप पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ के आप 95 से ऊपर परसेंटेज लाए हो, उसके हिसाब से बेस्ट टाइम टेबल बना रहा हूँ। मेरा वादा है कि अगर आप इस टाइम टेबल से पढ़ते हो तो आप 40 में से 40 मार्क्स स्कोर करोगे फर्स्ट टर्म में। सो ये है आपकी कामयाबी की चाबी। अब देखते हैं हम टाइम टेबल आपने कैसे फॉलो करना है। तो जो टाइम आप यूज करते हो, आप 5 से 6 घंटे का टाइम स्कूल में यूज करते हो, 7 से 8 घंटे आप सोने में लगाते हो, 1 से 2 घंटे आप कोचिंग में लगाते हो, क्योंकि 11th और 12th वालों के 3 से 4 घंटे लगते हैं और आपको 1 से 2 घंटे लगते हैं। 1 to 2 आवर्स यू यूज योर मोबाइल फोन्स, गेम खेलते हो या सोशल मीडिया जो भी लगाते हो, 1 से 2 घंटे इसमें यूज़ करते हो। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम टाइम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरे को किताबें खोलने का मन नहीं लगता। सो जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हर प्रॉब्लम का एक समाधान मिलने वाला है, एक सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है? सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन व्हेन यू आर इन दिस चैनल। सो हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाले हैं। आप देखें जरा, आपने स्कूल में 5 आवर्स लगाए, 2 आवर्स आपने कोचिंग में लगाए, 7 आवर्स स्लीप में एंड 1 आवर आपने मोबाइल में यूज़ करा, स्टिल यू हैव 9 free hours। 9 घंटे का टाइम आपके पास फिर भी मिल जाता है जो आपने यूज़ करना है। इसको यूटिलाइज करना बड़े अच्छी तरीके से और फिर देखो आप में क्या चेंज आता है। मैंने इसमें आपको 2 टाइम टेबल बताए, जो आपको सुटेबल है आपकी कोचिंग के अकॉर्डिंग, जो सुटेबल है आप उसका यूज करो, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो टाइम टेबल मैं बना रहा हूँ बता रहा हूँ, इसको लगा के जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ पर चिपका दो अच्छी तरह से, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। टाइम टेबल में बनाओ, एक मंथ में कितने दिन आप यूज़ करो उनको टिक करो सही से, एक मंथ में, यानी आपने फर्स्ट डेट को करा नहीं करा, करा तो राइट टिक, नहीं करा तो क्रॉस टिक, ऐसे करना है। आपने मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हफ्ते में जो 4 दिन है, स्टार्टिंग के 4 डेज, यू हैव टू यूज द सिलेबस एज गोइंग ऑन कोचिंग और स्कूल। जो आपकी कोचिंग और स्कूल में जहाँ से चल रहा है वहाँ से आपने पढ़ना है, यानी हफ्ते में 4 दिन आपने कंटिन्यू जहाँ आपका सिलेबस चल रहा है वहीं से आगे पढ़ना, पीछे का कुछ नहीं रिवाइज करना है, ध्यान रखना। हफ्ते में 4 दिन कंटिन्यू करो। बाकी जो 2 दिन हो गए, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन 2 दिनों में आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स MCQ, आपने MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ये आपने करनी पीछे वाले सिलेबस की। मानो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 15 चल रहा है, सपोज दैट चैप्टर नंबर 15, तो इन 2 दिनों में आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आगे के चैप्टरों की MCQ की रिवाइज करनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ओनली MCQ के बेस्ड है, तो आपने बहुत अच्छे से इनको रिविजन करना है, ठीक है? हफ्ते में 4 दिन आगे का और हफ्ते में 2 दिन पीछे का MCQ क्वेश्चन आपने रिवाइज करना है, ठीक है बेटा? अब आपका जो टाइम टेबल है मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, पहले ये टाइम टेबल देखो फिर इसके बाद दूसरा, जो आपको पसंद आए उससे आपने पढ़ाई करनी है। 9th और 10th का जो टाइम टेबल है, 9th क्लास और 10th क्लास का टाइम टेबल जो है, यहाँ पर क्या करना है आपने मॉर्निंग, ये वो उन बच्चों के लिए है टाइम नंबर 1 जो मॉर्निंग में नहीं पढ़ते हैं।
आपने 7:30 बजे से और 1 बजे तक 7:30 to 1 PM यू हैव स्कूल टाइम, यहाँ पर आपने स्कूल जाना है, कोई पढ़ाई नहीं। अगर 12 बजे भी छुट्टी हो जाए तो भी आपको मैंने टाइम दिया है, 2 बजे तक फ्री टाइम दिया है। इस दौरान आप चाहो तो अपना स्कूल का होमवर्क निपटा सकते हो। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, 2 बजे से और 3:30 तक ये आपका 1.5 घंटे का टाइम बन गया, 1.5 आवर बन गया। यू हैव टू यूज़ योर कोचिंग, अपने कोचिंग वगैरह चले जाते हो, जो बच्चे इस टाइम में कोचिंग जाते हैं उनके लिए टाइम है, अपने कोचिंग चले गए। 4 से 5 बजे 1 घंटे आपने साइंस पढ़नी है डेली, 4 to 5 1 आवर आपने यहाँ पर यूज़ करा, 1 घंटे आपने साइंस पढ़ी। 5 to 6:30 यू हैव गेम, आप गेम्स खेलने जा सकते हो, यहाँ पर आप फ्री हो, गेम खेलो मोबाइल में करो या आउटडोर गेम खेलो। फिर 7 PM to 8 PM आपने SST पढ़नी, 1 आवर आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, साइंस होगी SST होगी। और मैथ का सॉल्यूशन तो मैं आपको दे रहा हूँ, 8 बजे से 8:30 बजे तक आपने इसी चैनल पर मैथ की रिवाइज करनी है, जिसमें मैं टफ चैप्टर करा रहा हूँ। और 10 बजे से लेकर और 11:30 तक 10 to 11:30 1.5 घंटे हम पीछे का रिवीजन कर रहे हैं स्टडी विद मी, तो आपको पूरा यहाँ पर 1.5 और 2 आवर्स का टाइम मिल जाता है मैथ के लिए। तो मैथ को तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो 2 आवर्स and 2 4 आवर का ये आपका टाइम टेबल है, बेस्ट टाइम टेबल है, बहुत अच्छा से ये आपने करना है। देन संडे, संडे इज फन डे, संडे अपना मजे करो, फन करो, सब कुछ करो, लेकिन 2 घंटे निकालो पढ़ाई के। वो 2 घंटे कैसे, 1 घंटे आप इंग्लिश पढ़ो और 1 घंटे में आप कंप्यूटर या हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। इस हिसाब से आपका परफेक्ट टाइम टेबल बन जाएगा और आप परफेक्ट तैयारी करोगे। 4 घंटे का टाइम टेबल बन रहा है। जितने भी मैंने बच्चों से बात करी जिन्होंने अच्छे 95 से ऊपर लाए, वो 3 घंटे डेली पढ़ते थे, 3.5 से 3 घंटे उन सब ने बताया मेरे को, बड़े अच्छी तरह बताया एक्सप्लेन करके, सर हम 2.5 से 3.5 घंटे। तो ये 2 घंटे तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ ही रहे मेरे साथ, ठीक है। बाकी ये 2 घंटे आपने यूज़ करना है, इसमें आपका पढ़ाई का टाइम भी मिल गया, आपका खेलने का टाइम भी मिल गया, आपका मोबाइल का टाइम भी मिल गया, सारा टाइम फ्री, ठीक है। अब जो बच्चों जिनका थोड़ा और एक मैंने टाइम टेबल बनाया दूसरे कैटेगरी का, आप ये भी फॉलो कर सकते हो, आप ये भी देखें जरा। इसमें क्या है, 7:30 बजे से लेकर 7:30 to 1 PM आपका टाइम हो गया स्कूल का टाइम, स्कूल जाओ अपने आराम से। 12 बजे छुट्टी हो जा रही तो बहुत अच्छी बात है, इस दौरान आप स्कूल का होमवर्क निपटा सकते हो। देन 2 to 3:30 PM ये आप यहाँ पर 1.5 आवर बन गया, 1.5 घंटे का टाइम आप यहाँ पर साइंस पढ़ लो। 2 से लेकर 3:30 तक आप साइंस पढ़ो, 3:30 से 4:30 आपका बिल्कुल फ्री टाइम बन गया, आप गेम खेलो कुछ भी खेलो। देन 4:30 या आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग जाने में टाइम लग जाएगा। देन 4:30 to 6:30 हमने कोचिंग का टाइम दिया 2 घंटे का। अगर आप देखो 1 घंटा यहाँ पर बिल्कुल फ्री बच गया, 4:30 अगर आप 5 बजे भी कोचिंग जाते हो तो आधे घंटा आपके पास 4:30 से 5 आराम से पहुंच सकते हो। तो ये 2 घंटे का आपका मैंने कितने टाइम दे दिया, कोचिंग का टाइम दे दिया। 7 to 8 यहाँ पर आपका 1 आवर मिल गया, 7 to 8 आप क्या पढ़ोगे, SST पढ़ोगे, SST को आप स्टडी कर लोगे। और देन अगेन मैथ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैथ के लिए आपके मैं इस चैनल पे कर रहा हूँ, आने वाली सीरीज में बहुत अच्छा सोच रहा हूँ मैं। तो आपने 8 बजे से लेकर और 8:30 तक मैथ जहाँ आगे चल रहा है वहाँ चलते रहोगे जहाँ पर हम करा रहे हैं, और 10 से लेकर 11:30 बजे तक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं पीछे के MCQ क्वेश्चन। तो आप ये कर सकते हो, 2 घंटे ये 2 घंटे कर लेते हो तो मैथ में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी कि 40 out of 40 आप ले आओगे, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल। अगेन संडे इज फन डे, संडे जो हमारे पास हो फन डे है, संडे फन डे मीन्स संडे आप मजे कर सकते हो और बस 2 घंटे आपने यूज़ करना है, 1 घंटे इंग्लिश और 1 घंटे कंप्यूटर और हिंदी पढ़नी है, क्योंकि परसेंटेज ये भी बनाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर स्कूल का होमवर्क तो ये टाइम दे रखा मैंने स्कूल के होमवर्क के लिए, ये 2 टाइम आपके स्कूल के होमवर्क है, ये आप निपटा सकते हो। और पिछले वाला जो टाइम टेबल था इसमें भी देखो स्कूल के लिए होमवर्क के लिए हमने टाइम दिया है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टेबल। आई थिंक अगर आप इससे करोगे तो 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। सो दैट्स इट, आई होप आपने नोट कर लिया हो, नोट करो और इसको फॉलो करो। 1 महीने मेरे को मैसेज भेजो कि सर मैंने फॉलो करा, एक कैलेंडर बनाओ, मैं बताता हूँ आपको, इस टाइप का कैलेंडर बनाओ, यहाँ काउंटिंग लिखो 1, 2, 3, 4 डेट लिख दिया आपने, 5, 6, 7 और अप टू 30 लिख दिया। अब अगर आपने 1 तारीख को ये टाइम टेबल फॉलो किया तो इस पर राइट कर दो, ये नहीं करा तो इस पर रॉन्ग कर दो। 3 तारीख को पढ़ा तो राइट करो, 4 को पढ़ा तो राइट करो, 5 को नहीं पढ़ा तो रॉन्ग करो। 1 महीने में देखो आप कितने दिन पढ़ पा रहे, इससे आप मोटिवेट भी होगे और आगे अच्छा भी करोगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप जरूर इसको यूज़ करोगे और आप फुल मार्क्स लाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू, बाय बाय बेटा।